बड़ा पावन और शुभ अवसर है जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि इंसान 84 लाख योनियों के बाद में एक मनुष्य का तन मिलता है और वो भी यूं ही व्यर्थ चला जाए तो किसी काम का नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब महाराज पूरी जिंदगी बीत जाती है इंसान को कमाते कमाते घर में कथा नहीं करवा पाता, इसे भागवत कहते हैं। श्रीमद भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। जब लक्ष्मी आ जाए ना तो आदमी को घमंड अपने आप हो जाता है। बा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, भागवत बा माने वैराग्य और ता माने तत्व। जब इंसान को भक्ति हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप धारण हो जाता है। कहते हैं कि कितना भी जिंदगी में कमा लो, कितना भी जीवन में कमा लो, लेकिन उसका 10% 20% धर्म के कार्य में नहीं लगाया तो सब व्यर्थ है। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। धर्म इंसान को जरूर करना चाहिए, जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी हो जाती कमाते कमाते। आपसे निवेदन है बुजुर्गो, कहते हैं कि मरघट पे चार आदमी नहीं, वो 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। मरघट पे 4 करोड़ रुपए नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं, और जिस समय मर के इंसान जाता है ना, वहां जहां जलाया जाता है उस जगह का नाम होता है शमशान। सम का मतलब होता है बराबर, और शान चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबकी शान जहां जाके बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं भैया कि जीवन में कुछ न कर पाओ, कुछ भी ना हो पाए, लेकिन दो चीजें जरूर कमा लेना, एक इज्जत और दूसरा व्यवहार। इज्जत अगर है तो 4 आदमी आपको बैठने देंगे, और व्यवहार है तो 4 आदमी आपके दरवाजे पर बैठने आएंगे, निश्चित है। पैसा हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि जब आप आए थे इस दुनिया में तो कितने पैर थे? दो पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4। 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गए। अब तो ये बच्चा ही गए, कितने पैर रह गए? 3। महाराज कहते 2 बच्चा है गए तो पैर हो गए 8। 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो फिर वह जरा से निकल भी वाले नहीं। ये जीवन है, जीवन का कड़वा सच है, और इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। यहां तक भागवत रहस्य में लिखा है, वीरन विश्वासम पात्रम न कमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो, ऐसा हम नहीं भागवत कहती है। खूब भरोसा करो लेकिन अति भरोसा मत करो, क्योंकि पत्नी जो होती है ना, नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। बड़े बड़े शूरवीर एक नारी से हार गए, और विद्वान कहते हैं दादा कि जीवन में
लोग कहते हैं कि घर में हम कुछ कर्म करें तो उसका फल जरूरी थोड़ी कि हमें ही मिल जाए, उसका फल हमारे बेटे को भी मिल सकता है। और लोग अगर चोरी करें तो उन्हें पता है कि हम चोर हैं, या जो गलत काम है तो चोरी करेगा ही। अगर सामने वाले को पता हो कि ये गलत काम है तो करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। कर्म जैसा करोगे, कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा, एक बगीचा है, उस बगीचे में आम लगे हैं, तो आप वहां गए तो आम को आंखों ने देखा, आंखों ने आम को देखा। अब आंखें जा तो सकती नहीं, तो गए पैर, आंखों ने देखा गए पैर। अब पैर तोड़ तो सकते नहीं, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। अब मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, तो स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा गए पैर, तोड़ा हाथों ने, रखा खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। तब तक बाग के माली ने देख लिया, डंडे पड़ गए पीठ में। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन संत कहते हैं कि जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आंख से। वो देखा किसने था? आंख ने। तो जिसने कर्म किया था फल भी उसे ही मिलेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। कर्म उस तरीके से करना। हम ये नहीं कहते कि महाराज 24 घंटे में 2 घंटे भजन करो, जरूरी नहीं है। लेकिन 24 घंटे में 23 घंटे काम करो, लेकिन 1 घंटा भजन के लिए निकाल लो। भजन 3 प्रकार का होता है। राम कुमार भैया महाराज, भजन जो सुबह कहते जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्योंकि बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करेंगी तो मजबूरी पड़ जाएगी भजन करना। जो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में विचार करते हैं कि हमें बड़ा दिल करता है बैराग्य धारण कर ले, लेकिन परिवार को देख के फिर नहीं निकल पाते। चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आप चाकी में बेजर डालो वो भी पिस जाएगी, गेहूं डालो वो भी पिस जाएगा, लेकिन चाकी में कम्मा नहीं होते दादा, होते है ना बुजुर्गो? चाकी में कम्मा नहीं होती है, बम्मानी में जो फंसेगो वो पिसत ना, वो बच जाता। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बचगो, जने ना मानी वो पिसगो। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं भैया कि जीवन को उस तरीके से जियो जहां पर आपको लगे, और भगवान भी यहां मृत्यु लोक में आपको छोड़ करके कहे कि आप मैंने किसी अच्छे प्राणी को भेजा है, वरना पाप तो सब कर लेते हैं। उस तरीके से कर्म करो जो मरने के बाद भी दुनिया आपका नाम ले। क्योंकि जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद